नमस्कार दोस्तों, मुक्ता का दुनिया में आप लोग को स्वागत है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, आज हम बहुत सारे काम कर रहे हैं तो आप लोग के साथ शेयर भी कर रहे हैं। मौका तो जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन सोचा आप लोग के साथ भी ये सब शेयर करते हैं दोस्तों। और दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ, और आप लोग देखना शुरू करे तो एक तो लाइक कर दे, उसके बाद मेरा वीडियो तो जरूर अच्छा होने वाला है फ्रेंड, आप लोग को जरूर काम आएगा हमको लगता है। आपको आप लोग को जो लोग नहीं जानते हैं उन लोग को जरूर काम आएगा फ्रेंड। तो आप लोग एक लाइक कर दीजिए, एक सुंदर सा सोच लीजिए प्यारा कमेंट करने के लिए फ्रेंड। यहाँ पे बहुत मच्छर हमको काट रहा है आप फ्रेंड देखिए, हम आज वीडियो क्या बना रहे हैं आप लोगों के लिए। ये देखिए क्रोसोंडा, इसका कटिंग हम तैयार किए थे फ्रेंड। देखिए मेरा कटिंग लग गया, और देखिए फ्रेंड ये भी कटिंग लग गया, ये भी कटिंग लग गया, और यहाँ पर एक कटिंग है ये वाला फ्रेंड, वो देखिए वहाँ पे है। तो हम ये गमला में सारा कटिंग को लगा देंगे, और हम कटिंग कैसे, मेरा ग्रो हो गया, तैयार हो गया है, अब इसको हम लगाएंगे आप लोगों से शेयर करने वाले हैं। तो सोचे आप लोग भी देख लीजिए, ये देखिए फ्रेंड एक तो छोटा सा कटिंग यहाँ पर लगाए थे उस दिन, देखिए ये भी लगने वाला है। तो हम कटिंग लगाते हैं तो सारा तो नहीं जगता है, लेकिन आधा से ज़्यादा सब लग जाता है। लेकिन इस बार एक तो खराब हुआ, चार पांच लगाए थे, एक तो खराब हो गया, सब रेडी है। तो ये देखिए फ्रेंड इसमें फूल हुआ था, इसमें से कटिंग किए थे, तो ये भी अभी लगा हुआ है, जिंदा है। और इसमें से तीन लगाए थे फ्रेंड, यहाँ दो हुआ, और यहाँ पर एक तो था, एक ही हुआ, वहाँ पर भी एक ही हुआ, ऐसे दो तीन खराब हो गया फ्रेंड। सब बालू में हम लगाए थे शुरू में, तो फ्रेंड हम ये फिल करते हैं गमला, कैसे हम फिल करते हैं आप लोगों से शेयर करते हैं। बाप रे कितना मच्छर कट रहा है फ्रेंड, बहुत मच्छर बहुत मच्छर। ये देखिए फ्रेंड यहाँ पर कुछ पत्थर होगा, ये पत्थर हम डालते हैं, देखिए ये पत्थर डाल दिए, और अभी हम डालेंगे देखिए इसमें कुछ पत्ता पत्ती है, कल हम झाड़ू करके रखे थे, सारे को यहाँ डाल देंगे फ्रेंड। और है लेकिन अभी कौन लाने जाएगा, नहीं लाएंगे, तो हम अभी इसको डालते हैं फ्रेंड। देखिए पत्ता मिट्टी सारे हैं वो हम डाल दिए हैं, ये देखिए इसमें और पत्थर भी है। तो फ्रेंड ये थोड़ा सा ही है मट्टी पत्ता पत्ता, अभी है तो बहुत लेकिन लाना पड़ेगा ना फ्रेंड, उधर उधर रखा हुआ है, तो इतना ही हम डाल रहे हैं। और यहाँ जो मिट्टी है ना फ्रेंड, मिट्टी क्या क्या है वो हम आप लोग को बताते हैं फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड ये भी हो गया था, एक मैक्सिकन पिटूनिया कहीं पर तो निकाले हैं, ये भी अब कितना सुंदर हो जाएगा, लगा देंगे बहुत सारे है फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड इसमें ये लगा मिट्टी में क्या क्या मिला हुआ हम बता देते हैं, क्योंकि हम पहले तैयार किए थे फ्रेंड वही है, सो आप लोग को वो हम दिखा नहीं सके क्योंकि वो कुछ दूसरे के लिए हम बनाए थे, उसी में से फिर हम इसको मिट्टी और मिला हुआ है उसी के साथ ही फिर हम अभी बता देते हैं आप लोग को क्या क्या है इसमें फ्रेंड। इसमें डीएपी डाले हैं और चपत्ती डाले हैं, और उसके बाद सरसों खली डाले हैं, एप्सम साल्ट डाले हैं, और नीम के पत्ते हैं फ्रेंड वो डाले हैं, थोड़ा सा गोबर खाद डाले हैं, ये सब मिला हुआ सारा है फ्रेंड। तो अभी लगभग दो ठो गमला के लिए मिट्टी तैयार है, ज़्यादा नहीं है। ये देखिए फ्रेंड सारा मिट्टी मेरा अच्छा है, ये सब मिला हुआ है। इसमें नीम पत्ता है ही, लेकिन और थोड़ा सा हम मिट्टी में फंगिसाइड मिला देते हैं फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड देखते देखते आप लोग अगर भूल गए तो लाइक कर दीजिए,
आप फ्रेंड और कुछ जानना चाहेंगे तो हम बता देंगे, जितना हमारे नॉलेज है उतना ही बताएंगे। वैसे तो हम ट्रेनिंग लिए नहीं है, बस अपने से जो भी बनाते हैं करते हैं, बहुत सालों से करते हैं यही सब एक्सपेरिमेंट करते 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 मेरा जो भी नॉलेज हो गया बस उतना ही। तो फ्रेंड देखिए ये मिट्टी तो मेरा तैयार हो गया है, आप लोगों को बता दिए हम इसमें क्या क्या डाले थे। ये देखिए अब इसमें मिट्टी फिल करते हैं, थोड़ा सा करके ये पौधा को हम लगाएंगे। फिर पूरा मिट्टी यहाँ नहीं डालेंगे, जब पानी डालते डालते ये खाली हो जाएगा फ्रेंड, तो फिर ऊपर से मिट्टी डालेंगे, क्योंकि पौधा भी तो बढ़ते जाता है। पौधा जब बढ़ते जाता है उसके साथ ऊपर से मिट्टी को देना पड़ता है। तो हम निकालते हैं फ्रेंड, ये सब को निकालते हैं। ये देखिए तब हम फिर लगाते हैं, तो बने रहिए फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे हम निकालने गए तो भुरभुरा मिट्टी था सारा निकाल गया, अलग हो गया, पता नहीं डिस्टर्ब हो गया है बेचारे। तो फिर भी हम लगा दिए फ्रेंड, और ये तो अच्छा से निकल गया, इसका मिट्टी पूरा झड़ गया था। ये देखिए सब भुरभुरा मिट्टी था, सब निकल गया इसमें से ये। तो फ्रेंड अभी मिट्टी हम डालते हैं, और ये देखिए फ्रेंड इसमें से एक बीज था, बीज में से कुछ भी नहीं था, ऐसे ही अभी पका नहीं था, खिज्जा है तो कोई फायदा तो है नहीं फ्रेंड, इसीलिए उसको फेंक दिए काट के। और ये जो मिट्टी है फ्रेंड ये सब फिर हम डाल देते हैं। हम थोड़ा एप्सम साल्ट और ऊपर से डाल देंगे फ्रेंड, एप्सम साल्ट थोड़ा ऊपर से और डाल देंगे हम, ताकि हमारा पौधा जो है ना फ्रेंड शॉक में नहीं जाए, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो गया है बेचारे। और हम पानी डाल देंगे इसमें, ये देखिए फ्रेंड मेरा सामग्री कैसे कैसे है, इसी में शायद होगा एप्सम साल्ट। इसी तरह सारे डिब्बे डिब्बे में करके हम थोड़ा थोड़ा करके सारे को डालते हैं फ्रेंड, रख देते हैं। ये देखिए फ्रेंड इसमें एप्सम साल्ट है, थोड़ा हम डाल देंगे ना तो शॉक में नहीं जाएगा। थोड़ा डाल देते हैं फ्रेंड, ज्यादा नहीं थोड़ा ही डालेंगे, मेरा पौधा गड़बड़ होना हो जाए। तो अब डालते हैं पानी फ्रेंड, फ्रेंड मेरा आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा। अरे देखिए फ्रेंड एक प्लांट यहाँ पर भी है, ये देखिए फ्रेंड यहाँ एक तो प्लांट और है, ये तैयार है, इसको बाद में दूसरे में लगा देंगे फ्रेंड। आप पानी डालते हैं फ्रेंड अभी आप, और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और बता दीजिएगा मेरा क्रोसोंडा का रिपोर्ट आप लोग को कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय।